हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबके सामने मुगलई डिशेस में एक वैरायटी बनाने जा रही हूँ, जो पनीर की एक वैरायटी है, शाही पनीर। और वो बहुत ही पसंद आती है हर एज के लोगों को। तो चलिए चले फिर बनाने। सबसे पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। इसमें मैंने लिया है जीरा, ये है तेज पत्ता, 8 से 10 छोटी काली मिर्च, ये है दालचीनी, ये है जावित्री, ये लौंग है जिसे मैंने पीस के लिया है, ये बड़ी इलायची। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादातर अदरक की जगह सौंठ यूज़ करती हूँ, तो ये सौंठ है। ये भीगे हुए काजू हैं, ये मेरा पनीर है जिसे मैंने ट्रायंगल शेप में पहले ही काट के रखा हुआ है। ये मैंने 5 से 6 के बीच में टमाटर लिए जाएंगे, इसमें एक प्याज लिया है, 5 कलियां लहसुन की, 4 हरी मिर्च, 4 सूखी हुई लाल मिर्च, और ये मिर्च पाउडर है, गरम मसाला, नमक 1.5 चम्मच, चीनी 1.5 चम्मच, और ये फ्रेंड्स क्रीम है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बीच में बता रही हूँ, इसमें मैंने प्याज और लहसुन यूज़ किया है, जो अगर आप लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, इट इज़ एंटायरली ऑप्शनल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ बटर, बटर में सबसे पहले डालेंगे हम जीरा, काली मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जावित्री, लौंग, साबुत लाल मिर्च, सबको भून लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, और सबको अच्छी तरीके से सॉटे करें। इसी में डाल दीजिए काजू, सौंठ, इसी में डाल दीजिए टमाटर, कि हमारा बन रहा है ऑलमोस्ट, हल्का गलने लगा है टमाटर भी और प्याज। अब इसको हम बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब इसमें फिर से थोड़ा सा बटर डालिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और हल्की सी जो हमने लाल मिर्च ली थी वो डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे अपना सारा बनाया हुआ मिक्सचर, ये देखिए कलर। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें काजू का पेस्ट डाला था इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी है। ऑलमोस्ट हो गया ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना वही नमक, चीनी, और इसमें धीरे धीरे करके डालिए जो क्रीम आपने बना के रखी थी। ये मेरा काफ़ी इसमें मर्ज हो गई है क्रीम। अब इसमें डाल दीजिए गरम मसाला, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादातर मुगलई डिशेज़ में
जरूर डालते हैं हम, वो है कसूरी मेथी। मेरा शाही पनीर बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने पनीर के टुकड़े। तो शाही पनीर तैयार हो गया है। अब अपना जल्दी से नान बनाते हैं, चपाती बनाते हैं और इसका मजा उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया शाही पनीर। इसे आप रुमाली रोटी के साथ में खाइए, नान के साथ में खाइए, चाहे नॉर्मल चपाती के साथ में खाइए। इट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड टेस्ट। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारे कमेंट्स दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे एक भी वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल बटन दबाइए। आई एम गोइंग टू कम बिफोर यू अगेन विद अ लॉट ऑफ डिशेस। बाय बाय, टेक केयर।